हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप घर बैठे 15 से 20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये महीना कैसे कमा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बने रहें वीडियो में एंड तक। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एंड तक ज़रूर देख लेना। भाई हकीकत में आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हो और ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैं आपको अब एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप 15 से 20 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। वो क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको है ना भाई 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो आपके खर्चे जेन्युइन जगह पे करवाऊँगा, जेन्युइन जगह पे लेकर जाऊँगा, जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा, तभी आप 15 हज़ार रुपये खर्च करना मेरे कहने पर। और उस 15 हज़ार से आप लाइफ टाइम तक पैसा कमाओगे भाई। वो एक ऐसी चीज़ है। वो क्या है, सबसे पहले जैसा आप देख रहे होंगे प्ले स्टोर में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं, प्ले स्टोर में कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। कोई अपनी गेम बना रहा है, कोई वेट की बता रहा है, एक्सरसाइज के बारे में बता रहा है, कोई कोर्स बेच रहा है, कोई रैपिडो के बारे में बता रहा है, ओला उबर, ये सब ने अपनी अपनी एप्लीकेशंस बनाई हैं। आज ये भाई लाखों रुपया कमा रहे हैं। चलो ये तो बड़े लेवल की बात हो गई। अगर मैं आपको अभी छोटे लेवल की बात करूँ तो भाई एक अपनी एप्लीकेशन बनवाओ, ठीक है। आप कोई अपना गेम बनवा सकते हो किसी डेवलपर से, और अपनी एक एप्लीकेशन बनाओ, कोई गेम बनवा सकते हो आप, लाइक कैंडी क्रश, लाइक एट पूल, इस टाइप के आप अपने गेम्स भी बनवा सकते हो। क्योंकि यार ये लोग भी तो इंसान ही हैं जो अपने अपने गेम बनवा करके, अपनी एप्लीकेशन बनवा के प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो जैसा आप अपनी कोई एप्लीकेशन बनवा लेते हो और उसको आप एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में रजिस्टर्ड करा देते हो, वहाँ पे उसको पब्लिक करा देते हो, तो भाई आप अर्निंग कर सकते हो अच्छा खासा। आपने अगर अभी 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च कर लिए एक अच्छी खासी एप्लीकेशन बनवाने में, वैसे तो भाई 5 हज़ार रुपये में भी एप्लीकेशन बन जाती है, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप सोचते हो यार चल अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा कम बजट में बनवा लूँ, 5 हज़ार में बन जाएगी आपको। क्योंकि आप जब कॉन्टैक्ट करोगे ना किसी एप्लीकेशन वाले से तो भाई आपकी 5 हज़ार रुपये में एप्लीकेशन बनवा देगा। लेकिन भाई ऐसी फर्जी एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ना भाई 5 हज़ार रुपये। कम से कम आपको अगर जो अच्छी वेब डेवलपर से या जिससे भी आप बनवा रहे हो अपने नॉन में, जिससे भी आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो भाई, जेन्युइन बनवाना और जेन्युइन तरीके से उसके अंदर आप बताना आप क्या गेम सिखा रहे हो या किस चीज़ को लेकर के आप एप्लीकेशन बना रहे हो, आप जेन्युइन एप्लीकेशन बनवाना। कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आपको उस एप्लीकेशन में खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब उसके बाद वो पब्लिक हो जाएगी और आप उसको अपने फ्रेंड्स लोगों को बताओगे, आप उसका जब प्रमोशन करोगे, आपकी एप्लीकेशन जब लोग डाउनलोड करना शुरू कर देंगे और उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा उस एप्लीकेशन से, तो भाई मैं कह रहा हूँ आपकी अर्निंग तकड़ी हो जाएगी यार। एक बार बनवा दो भाई 15 से 20 हज़ार रुपये, एक बार खर्च कर दो और एप्लीकेशन, तो भाई लाइफ टाइम अर्निंग करती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, ये पैसिव इनकम में आती हैं भाई। ये चीज़ें पैसिव इनकम जो करता है ना भाई, जो उसको लगता है कि यार मुझे कुछ इस तरह की इनकम जनरेट करनी चाहिए कि भाई मैं डेली ऑफिस नहीं जा सकता, या मैं डेली कोई सामान नहीं बेच सकता, या डेली कोई मैं सेल नहीं कर सकता, या डेली मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है जो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहता है। तो भाई ये एप्लीकेशन बनाओ। और आप इसके साथ साथ एक काम और कर सकते हो, अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, या तो कोई आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, या कोई ब्लॉग्स वगैरह वहाँ पर डाल रहे हो, या कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, या कोई भी आपकी न्यूज़ की वेबसाइट है, तो आप जब लोग उस पर विज़िट करते हैं तो उनका आपको चार्ज मिलता है, क्योंकि वहाँ पर भी एड रन हो जाता है। जब एड रन हो जाता है तो भाई एड से भी वहाँ पर अर्निंग होती है आपकी। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन, दूसरी वेबसाइट। अगर आप इन दोनों में से, वैसे तो दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं, एक भी बनवा लेते हो ना भाई, एप्लीकेशन में तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये लगेंगे और वेबसाइट में आपके तकरीबन भी 15 से 20 हज़ार रुपये लगेंगे, अगर आप एक अच्छी वेब डेवलपर से वेबसाइट बनवा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप बनवा लेते हो तो भाई 50 हज़ार रुपये महीना कहीं के नहीं गए भाई, कहीं नहीं गए 50 हज़ार रुपये महीना। अगर आपके पास हैं भाई 15-20 हज़ार रुपये तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एप्लीकेशन बनवाने में। कोई गेम बनवा लीजिए, या आप बबल वाले गेम देखते हो टक 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 करके वो मैच कर करके गिरते रहते हैं, इस तरह की एप्लीकेशन बनवा सकते हो। या आप कोई गेम खेल रहे हैं उसकी एप्लीकेशन बनवा सकते हो। आप खुद का एटपुल गेम बनवा सकते हो भाई डेवलपर से, आप खुद की कैंडी क्रश बनवा सकते हो भाई, लेकिन आपको सेम नाम नहीं यूज़ करना। हाँ भाई ये एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप किसी भी गेम की आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो भाई बिल्कुल भी जो प्ले स्टोर पर नाम आ चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका, उस बिल्कुल भी उस नाम से मत बनवाना भाई कोई भी एप्लीकेशन। आपका अपना यूनिक नेम होना चाहिए, जब भी आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास कॉपीराइट का क्लेम भी आ सकता है, कोई केस भी करा सकता है आप पे। तो भाई इस चीज़ से ही बचना आप,
क्योंकि ये बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत इन चीज़ इन लफड़ों में पढ़ना ही नहीं है भाई कि भाई उसका नाम यूज़ कर लिया, उसका नाम यूज़ कर लिया। आपको अपना यूनिक नेम यूज़ करना है अपनी एप्लीकेशन में भी और अपनी वेबसाइट में भी, तभी आप अर्निंग कर पाओगे। क्योंकि अगर जो आपका आपका प्ले स्टोर में रजिस्टर नहीं होता है आपने अपने एप्लीकेशन बनवा ली, तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप यूनिक नेम से कोई भी आप अपनी एप्लीकेशन का नाम रखना, अपनी वेबसाइट का नाम रखना, और तभी आप कि एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो जाएगी और पब्लिक हो जाएगी। फिर आप उसका प्रमोशन करना शुरू कर देना, अपने यार दोस्तों को बताना, शेयर करना एप्लीकेशन। जितने ज़्यादा डाउनलोड होंगे, जितने ज़्यादा उसको रिव्यू में जाएगा, उतना आपका बेनिफिट होगा। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, उसका प्रमोशन आप किसी अच्छे खासे यूट्यूबर से भी करवा लेना, अगर आपके पास इतना पैसा है कि हाँ भाई मैं अब इसका जितने हमारे सर्किल ने डाउनलोड कर ली, लेकिन अब इसको अगर जो मेरे को और ज़्यादा कमाना है, 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा कमाना है इस एप्लीकेशन के थ्रू, तो भाई 15-20 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये लगा करके, 15 हज़ार रुपये लगा लो यार, 10 हज़ार लगा लो। आप किसी यूट्यूबर को पकड़ना जिसके 1 लाख सब्सक्राइबर हो या 2 लाख सब्सक्राइबर हो, उनसे कॉन्टैक्ट करना और उनसे एक बार उसका पब्लिक रिव्यू जरूर करा देना भाई, अपने उनकी वीडियो में एक बार उससे रिव्यू, उसका प्रमोशन जरूर करा देना, थोड़ी सी और बूस्टअप मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो भाई मैं कह रहा हूँ आपको 30-40 हज़ार रुपये या 20-30 हज़ार रुपये हर महीने कमाने से कोई नहीं रोक सकता भाई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ भाई। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो भाई प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इन वीडियोज़ को देखने में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।